Here in this case, the perimeter of the given triangle is 38, the whole sides sum up to 38 centimeter. That means हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज गिवन, देन इट इज गिवन बी सी, देन इट इज गिवन सी ए, एंड द टोटल सम इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, आई नीड टू फाइंड ए पी. लेट्स से दिस इज एक्स, तो ए पी किसके इक्विवेलेंट है हमारा, ए क्यू के, दिस वुड बी एक्स है, क्योंकि हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कैसी होती हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर. और सिमिलरली बी आर इज सिक्स, तो हमारा पी बी कितना हो जाएगा, इट वुड बी 6 सेंटीमीटर. आर सी हमारा 8 है, तो हमारा क्यू सी कितना हो जाएगा, इट वुड बी 8 सेंटीमीटर. सो एडिंग अप ऑल दीज साइड्स, जैसे ए बी हमारा क्या होगा, इट वुड बी एक्स प्लस 6, बी सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, इट वुड बी 6 प्लस 8. वट वुड बी सी ए, सी ए का टोटल सम लोगे विच इज लाइक एक्स प्लस 8, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाती है, 38. एक्स और एक्स ऐड करोगे तो यू वुड गेट 2x. 6 प्लस 6 इज 12, 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 8 इज 28. राइट साइड पे 38 है हमारे पास. नाउ टेक द वैल्यू ऑफ 28 टू द लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, इट वुड बिकम 10. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10/2, विच इज लाइक 5. तो हमें AP की लेंथ कितनी मिल जाती है, इट इज 5 सेंटीमीटर.